सुब्बरामन रेड्डी 10 साल के पीछे हम विशाखपट्टनम जब प्राइम मिनिस्टर दिया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फिर अब यश चोपड़ा का अवार्ड जब मिलता है तो अच्छा ही लगता है और ये अवार्ड मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि रेड्डी साहब ने ये रखा हुआ है, इन्होंने सब किया हुआ है और ये यश चोपड़ा जी का अवार्ड है। इसलिए मैं यश जी के बहुत नज़दीक थी, बहुत सालों से मैं जानती थी उनको, नया दौर के वक्त से जानती थी और हमारा घर का संबंध बहुत अच्छा था, तो ये अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। मेरा फार आनंद झाला कारण सगळे अवॉर्ड खूप असतात, अवॉर्ड्स सगळे अवॉर्ड असतात सगळ्यांचे असतात, पण एका माणसाचा आपल्या ओळखीच्या माणसाचा ज्यावेळेला अवॉर्ड मिळतं आपल्याला त्यावेळेला फार चांगलं वाटतं। त्यांच्या गोष्टी मी सांगणार आहे आतमध्ये, मी ज्यावेळेला बोलीन त्यावेळेला, आणि त्यांची माझी खूपच ओळख होती, आणखीन ते माझ्याशी चेष्टा बसकरी पण करायचे, आणखीन सगळं मला सांगायचे, कारण आणि डायरेक्शनच्या वेळेला ते गाणं ज्यावेळेला घ्यायचं असतं त्यावेळेला ते सिच्युएशन समजून कशी सांगायचे, कसे ते त्यावेळेला डायरेक्टर म्हणून कसे होते, भाऊ म्हणून कसे होते। आणि एकूणच आजचा प्रसंग खूप मस्त आहे का, तुमची जी लाडकी व्यक्ती म्हणजे रेखाजी पण इकडे आहे, त्या दोघी कसे आहेत? रेखाजी यहाँ पर है, अच्छा आई है वो आने वाली, अभी आई नहीं होगी बहुत लेट लगती थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि पैम भाभी मुझे मिलेगी, यश चोपड़ा जी की भी, रेड्डी साहब मुझे मिले हैं बहुत सालों बाद मिले हैं और सभी अच्छे लोग मेरे को मिले गया आज फिल्म लाइफ के। एक्चुअली आशा जी के लिए मैं क्या बोलूँगी, शी इज़ टू बिग टू ह्यूज एन आर्टिस्ट एंड अ पर्सनैलिटी फॉर मी टू से एनी थिंग। आशा जी को तो हज़ारों अवार्ड्स मिले हुए हैं पर ये जो अवार्ड है ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है क्योंकि यश चोपड़ा जी की याद में है, ये उनकी मेमोरी में है और मुझे लगता है कि आशा जी ट्रूली डिज़र्व करती हैं ये अवार्ड, तो उनको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से और ऑल द बेस्ट और आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड ऑफ द ज्यूरी ऑल्सो। थैंक यू सो मच अनु एंड शशि रंजन एंड थैंक यू सो मच सुबी रमा रेड्डी जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि लता दीदी को आज एस जी का जो अवार्ड मिलना, इट्स आशा जी का इस अवार्ड मिलना बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और नॉट ओनली दैट, एस जी का इतना प्रेस्टिजियस है तो हर साल हम लोगों को एस जी के याद पर जो फिल्म इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसे अहम लोगों को बुला के इस तरह का इस अवार्ड को और पुरस्कार देना बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू।
अरे आराम से बोले। इतना हल्ला Guys, please fast. Very, very, very much because he was my first mentor in the industry even before Adi, and he was the friendliest mentor, the most senior mentor, and till today when I think about him, I get very emotional. So this year when I got a chance to be here with Asha ji, with Rekha ji, I couldn't say no. Akshay was all praises for you, saying that he's all excited. He came out with I'm also very excited. What would you like to say? I'm very, very, very excited. I'm actually leaving in 3 days to start Namaste England, but I think I'm even more excited for Kesari, and we were just planning it just now in the car, so like it's fresh in my mind, and it's been a dream to work with Akshay for a really long time. He's also Punjabi, I'm also Punjabi, and we're doing a very Punjabi film, so I'm very, very, very excited to go and start it. Look was out. It's a secret. It's a secret. When the director and Karan decide to announce that look, they'll announce it. Lastly, who would be shooting? I'm getting late. You'll be shooting both the movies together. Yes. Yeah, I have to do it simultaneously because unfortunately dates. Yeah, the dates have worked out like this. So I will be going to Amritsar, London, and wherever we are shooting, everything together. Yeah, yeah. I'm in the movie.